आज हफीज़ बाबा का जो आज के दिन का उरूस है उसमें हज़ारों की संख्या की मात्रा में लोग जो है शामिल हो रहे, आके चादर चढ़ा रहे, दुआ कर रहे हैं। और ये दुआ जो है अल्लाह ताला हमेशा कबूल करता आया है, इस बार भी करेगा पूरे भिवंडी के लिए। अमन का और शांति का पैगाम, जैसे जिस तरीके से कुछ सालों से माहौल था, लेकिन एक सवा साल से बहुत अच्छा माहौल अमन और शांति का। के DCP साहब जो है योगेश चौहान साहब जो मौजूद है, उन्होंने भी अभी ज़ियारत किया और इस शहर के अंदर लगातार कोशिश में है कि सभी धर्म के लोग अमन और शांति के साथ जो है अपने अपने त्यौहार मनाएं। आज जो है ये उर्स के अंदर भी वो यही चाहते हैं, DCP साहब हमारे, उनके सभी ACP साहब पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहकर कि सभी लोग खुशी से अपना जो है त्यौहार मनाए, उर्स मनाए। मैं आज DCP साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। जय हिंद दोस्तों, HBT न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भिवंडी के हाफी जी दरगाह बाबा के मज़ार पर आए हैं। यहाँ पे आज उनका उरूस है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं, यहाँ पे जो उनके मुरीद है, जो उनके चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। ये उरूस हर साल मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं मनाया जा रहा था, जिसमें इस साल बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। पुलिस की जो है कड़ा यहाँ पे बंदोबस्त लगाया गया है, किसी भी गाड़ियों को यहाँ पर रोका नहीं जा रहा है। उन्हें ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है, उसके लिए उनको तत्काल जो है पुलिस वहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी जो है, यहाँ पे जो सीनियर इंस्पेक्टर नरेश पवार और यहाँ पे उनसे भी वरिष्ठ ACP साहब जो सुनील वड़के साहब है, वो यहाँ पर मौजूद है और वो हर समय पे लोगों के पास जा रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लोग मौजूद है और यहाँ पर आज ज़ियारत के लिए लोग आए। क्या कहेंगे, आज हफीज़ दरगाह का उरूस है और आप यहाँ पे ज़ियारत किए और क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? आज हफीज़ बाबा का जो आज के दिन का उरूस है उसमें हज़ारों की संख्या की मात्रा में लोग जो है शामिल हो रहे, आके चादर चढ़ा रहे, दुआ कर रहे हैं। और ये दुआ जो है अल्लाह ताला हमेशा कबूल करता आया है, इस बार भी करेगा पूरे भिवंडी के लिए। अमन का और शांति का पैगाम, जैसे जिस तरीके से कुछ सालों से माहौल था, लेकिन एक सवा साल से बहुत अच्छा माहौल अमन और शांति का यहाँ पे चल रहा है। तो मैं सभी जो अपने भिवंडी शहरवासी, उनसे अपील करता हूँ इसी तरह अमन और शांति अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में बनाए रखना है और शांति के साथ हर त्यौहार मनाना है। यही मैं सबको, आने वाले त्यौहारों की भी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, अभी बहुत बड़ा त्यौहार शिव जयंती भी गया है, जिसको बहुत लोगों ने उत्साह के साथ मनाया और बहुत एक अच्छा मिसाल दिया है भिवंडी शहर में एक शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाकर। सर, उसके लिए लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं तो यही संदेश दूंगा कि जो साल सवा साल में जो शिव जयंती है, बड़ी रात है, शबे बारात है, धूलि वंदन है, होली है, मुहर्रम है, बकरीद है, जो जो त्यौहार गुजरे हैं बहुत अमन और शांति के साथ गए हैं। इसमें पुलिस तो अपना काम करती है, सभी एजेंसी अपना काम करती है, लेकिन जो है वो आप लोगों की कोऑपरेशन की वजह से, सहायता की वजह से लोगों ने यहाँ पे बहुत सही तरीके से, अच्छी तरीके से पुलिस को कोऑपरेट किया। इसका यही नतीजा है कि बाहर के डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ ये अलग अलग मामले मसाइल हुआ है, लेकिन अपने यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी शांति और हमेशा बरकरार रखे, यही मैं सबसे कामना करता हूँ। मैं सभी लोग को आज मुबारकबाद दूंगा और हमारे बीच जो है भिवंडी के DCP साहब जो है योगेश चौहान साहब जो मौजूद है, उन्होंने भी अभी ज़ियारत किया और इस शहर के अंदर लगातार कोशिश में है कि सभी धर्म के लोग अमन और शांति के साथ जो है अपने अपने त्यौहार मनाएं। आज जो है ये उर्स के अंदर भी वो यही चाहते हैं, DCP साहब हमारे, उनके सभी ACP साहब पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहकर कि सभी लोग खुशी से अपना जो है त्यौहार मनाए, उर्स मनाए। मैं आज DCP साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे बीच उपस्थित रह के हमारे उर्स में जो है इस मुबारक मौके पर वो आज यहाँ पर है, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और सभी लोग को यही कहूँगा कि अपने जो आज का ये जो अपना जो है उर्स मुबारक है, इसको मुबारक तौर से करें, हम शांति के साथ करें। इतना ही कहकर मैं शुक्रिया।